पिछले एपिसोड के आखिर में देखा कि एक्सीन ओरन के रूम में आई होती है उसे उठाने के लिए और उसका कंबल खींच लेती है और वो देख के शौक होती है कि ओरन बिना कपड़ों के लेटा होता है। तभी ओरन अपना हथियार छुपा लेता और कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें मेरा हथियार देखने का अभी कोई अधिकार नहीं मिला है। एक्सीन वहां जाने लगती है और कहती है, कपड़े पहन लो, हमें कंपनी में जाना होगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में एक्सीन ओरन कार में जा रहे होते हैं। ओरन एक्सीन से कह रहा होता है, वैसे मैं कंपनी में जाके करूंगा क्या, पहले मुझे बताओ कि पूर्वी एशिया के मामले में क्या हो रहा है। एक्सीन कहती है, पूर्वी एशिया की बातें अभी जरूरी नहीं है, मुझे बताओ कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें कुंफू सिखाते थे, मुझे लगा कि वो और कुछ भी सिखाते हैं। ओरन कहता है, मैं मानता हूँ कि मेरे मास्टर ट्रिक्स खेलना पसंद करते थे और उनकी एक आदत भी थी, और मेरे मास्टर ने टांग समूह को बहुत बड़ा योगदान दिया है। और एक्सीन ये सब बातें सुन रही होती है। एक्सीन ओरन से कहती है, क्या तुम कुंफू के अलावा और कुछ भी कर सकते हो, क्या तुम बिलियर्ड गेम खेल सकते हो। ओरन कहता है, हाँ मैं खेल सकता हूँ। एक्सीन कहती है, क्या तुम गोल्फ खेल सकते हो। ओरन कहता है, हाँ मैं खेल सकता हूँ। एक्सीन कहती है, क्या तुम तीरंदाजी कर सकते हो। ओरन कहता है, हाँ। फिर एक्सीन पूछती है, क्या तुम बंदूक का उपयोग कर सकते हो। ओरन कहता है, तुम्हारा मतलब कि मेरा हथियार, तुम चाहती हो कि मैं अपना हथियार तुम पे इस्तेमाल करूं। एक्सीन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं तुम एक घटिया इंसान और कुछ नहीं। ऐसे ही बात करते करते वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कंपनी में नहीं आए होते, वहीं और आए होते हैं। अंदर जाने के बाद ओरन एक्सीन से कहता है, क्या हम लोग कंपनी में जा रहे। एक्सीन कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे शहर में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी क्लब है। अंदर पहुंचते एक लड़की दिखती है जिसका नाम सुरोन होता है। वो एक्सीन को देख के कहती है, एक्सीन तुम यहाँ। एक्सीन सुरोन को देख के कहती है, सुरोन इसका नाम सु ओरन है, मैं चाहती हूँ तुम इसके साथ बिलियर्ड खेलो और इसे दिखाओ कि बिलियर्ड गेम क्या कर सकती है। सेरोन कहती है, हाँ क्यों नहीं। और वो टेबल के पास जाती है और कहती है, मिस्टर ओरन क्या आप लेडीज को पहले जाने से मना करते हैं। ओरन कहता है, नहीं। फिर सेरोन पोज लेती है और एक ही हिट में 4 गोल कर देती है। वहाँ खड़े सभी इंप्रेस हो जाते हैं और एक्सीन के पीछे तो लेडी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कह रही होती है, एक ही शॉट में 4 गोल, ये कमाल का था। और देखते ही देखते सेरोन 2 गोल और कर देती है। एक्सीन ओरन से कहती है, ये कमाल का था, क्या तुम ये कर सकते हो। एक्सीन ओरन को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि ओरन सो रहा होता है। एक्सीन ओरन का कपड़ा खींचती है और कहती है, तुम सो रहे हो, वो भी खड़े खड़े। ओरन कह रहा होता है, मैं रात को बहुत थक गया था। तभी सेरोन का एक शॉट मिस हो जाता है और एक्सीन उसे देख के कहती है, क्या एक शॉट मिस हो गया। सेरोन कहती है, मेरा हाथ हिल गया था और माफ करना ओरन, मैंने इसे बहुत कठिन बना दिया है। एक्सीन के पीछे खड़ी लेडी कह रही होती है, क्यू बॉल ब्लैक बॉल के पीछे चली गई है, ये बहुत मुश्किल है। और एक्सीन भी कह रही होती है, मन में ये नहीं कर पाएगा। फिर ओरन डंडी में धार डालता है, पोज लेता है और हिट कर देता है जिससे गोल हो जाता है। ये शॉट देख कर सब हैरान हो जाते हैं और एक्सीन के पीछे तो लेडी होती है, वो भी कह रही होती है, उछलती हुई गेंद ये कमाल का है, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। और एक्सीन भी ये देख कर बहुत हैरान होती है। ओरन कहता है, खुद की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा, थैंक्स, लेकिन मैं लकी था शायद। ये बात सुनकर वो दोनों लड़कियां कह रही होती है, वो कितना कूल है। और एक्सीन ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो रही होती है। गेम फिर से शुरू होता है, वहां सब लोग देख के हैरान होते हैं क्योंकि शुरुआत ओरन कर रहा होता है और गोल पर गोल किए जा रहा होता है। दूसरी तरफ एक्सीन के पीछे दोनों लड़कियां कह रही होती है, मैंने कभी भी इतना अच्छा खेलता हुआ नहीं देखा जितना मिस्टर ओरन खेल रहे हैं। और दूसरी लड़की कह रही होती है, लगता मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। और ये बातें एक्सीन कान लगा के सुन रही होती है। फिर वहां पे बहुत मुश्किल पड़ाव आ जाता है जहां पे ओरन कह रहा होता है, गेंद उछलती है और उछलती है, लगता है ये गेम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तभी एक्सीन कहती है, रुको, तुम्हारा क्या मतलब था, तुम ऐसा रास्ता कैसे बना सकते हो। एक्सीन कहती है, तुम हिट तो कर सकते हो लेकिन इसकी क्या गारंटी है, जो तुमने सोचा है वही होगा, अब मान लो कि तुम हारने वाले हो। ओरन कहता है, ठीक है चलो बेट लगाते हैं, अगर मैं गोल कर देता हूं तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। ओरन एक्सीन से कहता है, तो क्या कहना है, हां या ना। तभी पीछे से कोई कहता है, नहीं। हम देखते हैं वहां पे एक लड़का होता है 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ और कह रहा होता है, मैंने मना कर दिया। एक्सीन उसे देख के कह रही होती है, मास्टर गीत तुम यहाँ, और ये बुहोल क्लिनिक का युवा मास्टर गीत है। गीत एक्सीन के पास आता और कहता है, एक्सीन मैंने सुना कि आप विदेश गई थी, मैंने उन दिनों आपको बहुत याद किया। एक्सीन कह रही होती है, मिस्टर गीत दूरी बनाए रखिए। एक्सीन की ये बात सुनकर ओरन हंसने लगता है। तभी गीत ओरन से कहता है, मुझ पर हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक्सीन को किस करने के लायक नहीं हो। ओरन कहता है, तुम मजाकिया हो, बेशक वो मेरी मंगेतर है, तो मैं अपनी मंगेतर को किस करता हूं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम हमें रोकने वाले होते कौन हो। गीत ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। तभी पीछे कोई गीत को कहता है, गीत हट जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। वहां पे एक लड़की आती है और कहती है, तुम सु ओरन जैसे लंबे नहीं हो तो तुम उसे नीचे देखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वो लड़की सीसी होती है। एक्सीन सीसी को देख के कहती है, सीसी तुम यहाँ, और गीत सीसी की ये बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। एक्सीन सीसी कहती है, अभी भी तुम वैसी हो जैसे पहले थी। सीसी एक्सीन से कहती है, मैं तो बस सच बोलती हूँ और कुछ नहीं। और गीत ये बात सुनकर पूरी तरह लोहे में दब जाता है। गीत ओरन से कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा एक काम करोगे। ओरन कहता है, क्या तुम मुझे गायब कर दोगे। गीत ये बात सुनकर अजीब सा रिएक्शन देता है। तभी ओरन कहता है, लोग कहते हैं मरने के बाद हाइट रुक जाती है, शायद। गीत ओरन से कहता है, अब तो तुम मरने वाले हो। एक्सीन ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और गीत से कहती है, मिस्टर गीत डिसिप्लिन में रहिए, सेलिब्रिटी क्लब को परेशान मत करिए। गीत ये बात सुनता है, कुछ सोचने लगता है और ओरन से कहता है, हे तुम तो एक्सीन के साथ बेट लगा रहे थे ना, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर तुम इसे गोल कर देते हो तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। और यही के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अच्छी लगे तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय।